तहसील एतमादपुर के ग्राम मुखबार में गौरीशंकर के ट्यूबवेल से रात्रि में चोरों ने कोठरी की छत काट कर उसमें रखी एक कुंतल पाइपलाइन पर हाथ साफ कर दिया। सुबह होने पर ट्यूबवेल मालिक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि छत टूटी पड़ी थी और उसमें रखी पाइपलाइन चोर ले जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें, ऐसी घटना एतमादपुर में कोई नई नहीं है। ये चोर पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज तक कुछ भी नहीं लगा। मैं गौरीशंकर, गाँव मुखबार, पोस्ट मुखबार, जिला आगरा, थाना बरहन। मेरे ट्यूबवेल पर आज जो चोरी हुई है, इससे भी पहले दो बार हो चुकी है। जब भी ले जाऊँ फावड़े और क्या नाम है, ये स्प्रे मशीन और भी अन्य सामान, जैसे भी बिस्तर है, ये सब जो ये ले जा चुके हैं यहाँ से। और इन लोगों ने जो है पहले मतलब ये बार बार घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये पता नहीं चल पाता है। दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद, एक ने हटाया, ये तीसरी बार, चौथी बार जो है आज ये कांड मेरे हुआ है। मैं दरवाजे नाइट में लाइट रहती नहीं है, वो स्वतंत्र तो यहाँ से दरवाजे ये पत्थर जो है तोड़े हैं, पत्थर तोड़े का छत के द्वारा आए हैं, ताला लगा हुआ है, ताले से बोले नहीं है, लोहे का गेट चढ़ा हुआ है, इसलिए आवाज़ होगी। थोड़ा ताला टूटेगा तो आवाज़ मालूम पड़ेगी। ऊपर से जो आए हुए हैं और ऊपर से ही ये गए हुए हैं, ये गैंग है। कम से कम यहाँ पर जो आदमी आए हुए हैं वो चार या पांच आदमी तो यहाँ पर हैं, बाकी रोड पे होंगे या कहीं लगे हुए होंगे, ये मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। सभी से जो अनुरोध है, यहाँ तक मैं पुलिस कर्मियों से भी अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी कहीं होगी ली जाए, थोड़ा अवगत कराया जाए। और क्या हो सकता है इसमें, बड़े भाई मेरा किसी से द्वेष है नहीं, मेरा किसी से झगड़ा है नहीं। आगरा से KKD News संवाददाता राम सेवक धाकरे की रिपोर्ट।